क्लास 11th एक ऐसा क्लास जिसे बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं कि यार इस क्लास का क्या महत्व, ना तो इसका कोई बोर्ड एग्जाम होता है ना इसके मार्क्स से कोई फर्क पड़ता है, तो इस क्लास को पढ़ने का क्या फायदा। तो ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी भूल है कि 11th क्लास को इम्पोर्टेंस ना देना। देखिए 11th क्लास की मैक्सिमम चीजों का यूज 12th में होता है, खास करके साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। अगर आप 11th क्लास को सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी जब 11th में था तो मैंने भी 11th को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, जिसके कारण मुझे 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो दोस्तों आपको 11th क्लास को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, आपको इस क्लास को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 11th क्लास की पढ़ाई कैसे करनी है, आपको किस तरह से शुरुआत करनी है। तो स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही अहम वीडियो में। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए जब भी आप किसी भी क्लास की पढ़ाई शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको उस क्लास का सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देखने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमारे लिए क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बुक में बहुत सारी अनावश्यक चीजें होती है जिन्हें हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस जरूर देखना चाहिए। तो आप जाइए सबसे पहले 11th क्लास के सिलेबस को देखिए और देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं पढ़ने को। दूसरी चीज की 11th क्लास की पढ़ाई के लिए आपको टीचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि टीचर भी जो होते हैं ना वो भी 11th क्लास को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि इस क्लास का तो बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए जैसे तैसे मैं इस क्लास को पढ़ा देता हूँ। जब तक आपसे फीस लेना होगा तब तक वो आप पर ध्यान देंगे, लेकिन जैसे एक बार आप फीस दे दोगे फिर वो टाइम पास करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको 11th क्लास में खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से सिंसियरिटी दिखानी है, आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना है। और खुद से पढ़ाई करने में आपकी हेल्प करेगा YouTube। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। YouTube पर एक से बढ़कर एक टीचर है पढ़ाने के लिए। तो जाइए और YouTube का यूज कीजिए, YouTube का यूज पढ़ाई में कीजिए दोस्तों। आप अगली बात कि आपको 11th क्लास में बहुत सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है कि जैसे उनका कोई फ्रेंड ने कोई बुक खरीदी, उन्हें वो बुक देखने में अच्छा लगा तो वो भी उस बुक को खरीद लेते थे, जैसे मैं भी करता था। देखिए दोस्तों ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ अब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी जब 11th क्लास में था तो मेरे भी कोई दोस्त अगर अच्छी बुक खरीदता था, मुझे अच्छा वो लगा, उसका कवर पेज मुझे देखने में सुंदर लगा, तो मैं भी उस बुक को खरीद लेता था, जबकि उस बुक का कोई यूज नहीं होता था, मैं उस बुक को पढ़ता ही नहीं था, वो बुक ऐसे बर्बाद चला जाता था। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले एक ही बुक खरीदनी है, उस बुक को आप पहले कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मुझे दूसरा बुक खरीदना चाहिए तब जाकर के आप खरीदो। अगली बात है कि आपको 11th क्लास में ना एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाई करनी है, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना है। जैसे आपने कोई फॉर्मूला देखा तो आप उस फॉर्मूले का प्रूफ खुद से कीजिए, पूरा डीप कंसेप्ट लीजिए, क्योंकि देखिए 11th क्लास को आप जितना ज्यादा डीपली पढ़ोगे आपको 12th उतनी ही आसानी से समझ में आएगी, और आपके पास 11th में बोर्ड का भी प्रेशर नहीं है तो आपके पास भरपूर मौका है एक्सपेरिमेंट करके पढ़ने का। देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कंसेप्ट को समझ करके पढ़े, ना कि रट करके। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि आपको 11th क्लास की पढ़ाई कैसे करनी है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।